रोजाना सुबह 3:30 बजे उठकर इन पहलवानों को लगभग 2 घंटे कसरत और दौड़ लगाने के बाद कुश्ती के इस रिंग में जमा होना पड़ता है। यहाँ गुरु सतपाल भी सुबह ही आ जाते हैं और एक एक पहलवान को कुश्ती की बारीकियां सिखलाते हैं। गुरु सतपाल अपने शिष्य सुशील के साथ जिस तरह से आज भी पसीना बहा रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि पदकों की भूख न तो गुरु की शांत हुई है और न ही उनके शिष्य सुशील की। आमतौर पर सबने सुशील को टीवी पर पदक जीतते हुए देखा है, लेकिन इसके पीछे गुरु और शिष्य किस तरह रात दिन मेहनत करते हैं इसका अंदाजा नहीं कर पाते। 16 या 17 साल पहले ये मेरे पास आए थे, इसके पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब जो धारा सिंह जी हैं, तो वो इनको लेके आए थे। तो मैंने इसका पहले दिन ही ट्रायल देखा, इसको कुश्ती लड़ा के देखा, और इसके अंदर जो चीज थी वो पहले दिन से ही एक स्टील था। स्टील का मतलब था कि उसका इतना दिमाग और इतना बिल्कुल जैसे छोटा सा बिल्कुल जैसे वैसा होगा 28 किलो का। तो उसी दिन से मुझे लग गया था, मैंने भाई साहब को कहा भी, मगर ये तो बहुत बड़ा पहलवान बनेगा। कुश्ती आज माइंड गेम है, यानी कुश्ती के दौरान पहलवान को सामने वाले के हमले से तो बचना ही है और ये भी सोचना है कि किस समय क्या दाव लगाएं कि उसे चित कर दें। इस तकनीक पर गुरु सतपाल अपने शिष्य सुशील कुमार और अन्य खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे क्या पता कि मेरा विरोधी पहलवान क्या दाव लगा रहा है, उसको रोकना और अपना दाव लगाना, ये सिर्फ सेकंड के कुछ हिस्से में। और अगर कई गेम तो ऐसा होते हैं कि आप एक बार आपको गलती होगी तो दोबारा उसको सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन यहां तो अगर आपने गलती कर दी तो आप खत्म कुश्ती। तो इसीलिए सुशील के अंदर वो सारी सब चीजें हैं। गुरु सतपाल की देखरेख और मार्गदर्शन में सुशील कुमार ने देश विदेश में कई पदक जीते हैं। गुरु को अपने शिष्य की मेहनत और कामयाबी पर गर्व है, तो शिष्य भी कामयाबी का सारा श्रेय अपने गुरु को देता है। मैं मानता हूं कि मैं यहां तक पहुंचा हूं तो गुरु की देन हूं, और गुरु ने ही, जो गुरु अच्छे से मेरे को नहीं सिखाते तो क्या पता मैं यहाँ तक नहीं होता। और उनका बहुत आशीर्वाद है और प्यार रहा है कि हर एक चीज पे टेक्निकल आपने देखा भी होगा कि सुबह वो आ जाते हैं और बच्चों के साथ ट्रेनिंग करते हैं। जो भी उनका अनुभव है, खुद वो 82 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो उनका मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत भाग्यशाली हूँ मैं और कि मेरे को ऐसे गुरु मिले। सुशील की नजर अब अगले साल होने वाले लंदन ओलंपिक खेलों पर है। विश्व विजेता तो वो बन चुके हैं, कॉमनवेल्थ में भी स्वर्ण पदक उनके नाम रहा है, लेकिन ओलंपिक में अभी तक वो स्वर्ण पदक से दूर रहे हैं। सुशील की कोशिश है कि अगले साल होने वाले इस मुकाबले में वो ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीत सकें और गुरु का सपना पूरा कर सकें।